चांस हैं फिरोज खान। आज मैं आम आदमी पार्टी की समाज सेविका अरुणा कुमारी जी से आपको मिलाना चाहता हूँ, जो अपने आप में ही कई एनजीओ से और कई सोशल वर्क करती हैं। आज दिवाली के शुभ अवसर पर आज हम उनके घर पहुँचे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो दिवाली के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं। अभी जैसे कि देखा गया है कि अब दिवाली का सीजन चल रहा है और अक्सर देखा जाता है दिवाली पर कई गवर्नमेंट्स, एक फैसला भी सुनाया गवर्नमेंट ने कि बच्चों को जो है पटाखों से दूर रहना है और कई हादसे भी हो जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन सही लिया है, मैं इसके पक्ष में हूँ। अभी 15 अक्टूबर को बाबरपुर बटमिल पे दीपावली मिलन समारोह हुआ था, कवि सम्मेलन भी हुआ था, उसमें जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने पार्टिसिपेट की थी, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से देश बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है बहुत। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे देश हित में काम कर रही है, समाज हित में काम कर रही है। अभी मैंने अभी पढ़ा था, सोशल मीडिया पे पढ़ा था, अखबारों में पढ़ा था, और उसमें लिखा हुआ था कि जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से मिलेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनके ऊपर एक फिल्म भी, अमेरिका उनके ऊपर एक फिल्म भी लॉन्च करना चाहता है। तो वाकई में आपको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब 2019 में शायद प्रधानमंत्री बन जाएं? आपको लगता है कैसा? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है बन जाए। तो दिवाली का जो बम्पर धमाका निकलता है, देखा जाता है कि दिवाली पर कई ऐसी योजनाएं निकलती हैं। अभी मान लीजिए GST पर अभी दीपावली के अवसर पे जो है एक ऑफर निकला है कि जो छोटे व्यापारी हैं, अब सोने पे GST हल्की लगेगी और कपड़ों पर GST हल्की लगेगी। तो जो है अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसी तरीके से दिवाली पर एकता का परिचय दिया है और एकता की मिसाल दी है कि ये दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं होती बल्कि पूरे देश की दिवाली होती है। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप भी अरविंद केजरीवाल जी की विचारधाराओं से सहमत हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो जो भी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, समाज हित में कहते हैं, देश हित में कहते हैं, मैं उनकी एक एक बात से एग्री हूँ। और आप जैसे कि अभी मैंने अभी देखा कि मैं भी बाबरपुर टर्मिनल पर मौजूद था और आप भी थे, तो वहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि कवि सम्मेलन हो रहा था, लोग आनंद ले रहे थे, तो क्या युवा पीढ़ी आजकल की जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, क्या आपके जो दिवाली का जो आपका संदेश है कि जो पटाखों से बच्चे बचें, पटाखे ज़्यादा ना फोड़ें, खुशियों से दिवाली मनाएं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो लोग दंगे भड़काते हैं? मैं उन बहनों भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि हमें सबको मिलकर रहना चाहिए आपस में, और हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और मिलकर रहने में ही देश की भलाई है, समाज की भलाई है, हम सब लोगों की भलाई है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ एक ऐसा मैसेज दीजिए जो आपका मैसेज ये याद रहे लोगों को। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे। मैं सब लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी बेटियों की रक्षा करें। अभी मैंने ABP न्यूज़ पे भी देखा था, वो मेरे पास क्लू भी है, जो उन्होंने बोला था अमित शाह जी ने कि 15 लाख रुपए जो था वो जुमला था, वो भाषण देने का तरीका है। तो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को तो लंबे लंबे भाषण तो दिए जाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब आप ठीक बोल रहे हो, ऐसा ही होता है। तो मैं ये सब देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि दिवाली हम सब मिलजुल के मनाएं और खुशियों से मनाएं ये। हाँ, और बच्चों को खास तौर पर ये कहना चाहूँगी कि हाँ, ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है पटाखे बंद ना छोड़ने का, तो ये अच्छा डिसीजन है। उसकी जगह हम कोई कल्चर प्रोग्राम कर सकते हैं, आपस में मिल बैठ के मिठाइयाँ खा सकते हैं, ऐसे डांस के प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो उन्हें अच्छे पसंद। और ये इससे पॉल्यूशन में भी बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत है। ये थी मेरी दिल्ली मेरी शान से जुड़ी हुई अरुणा कुमारी जी, जिनका ये कहना है कि बच्चों को साफ तौर के पटाखों से बचना चाहिए और जो हादसे हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए। और सरकार ने जो कदम उठाया है कि पटाखों पर रोक लगेगी, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने जो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं जो अरविंद केजरीवाल जी से मिलना चाहते हैं, उन्होंने भाई इस पर अरुणा कुमारी जी ने साफ कहा है कि बहुत ही अच्छा है कि हमारी दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है।
तो मेरी ओर से भी, फिरोज खान की ओर से भी, आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी दिल्ली मेरी शान से, फिरोज खान।